हाय फ्रेंड्स, थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच अलग अलग डॉग ब्रीड्स के बारे में जिनका प्राइस 10,000 रुपए तक कम हो चुका है और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,000 रुपए। तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका बजट कम है तो भी आप लोग डॉग को परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में जो डॉग्स ब्रीड है वो है पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, पग एंड फ्लैट कोटेड रिट्रीवर। तो आज हम इन सभी डॉग्स ब्रीड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पिटबुल के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो पिटबुल पपीज हैं बिल्कुल प्योर क्वालिटी के हैं और ये आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे और पपीज भी काफी हेल्दी और हैवी बोन है। और दोस्तों, पिटबुल काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। अगर आप लोग एक गार्ड डॉग परचेज करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के मदर फादर हैं। क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है। क्वालिटी वाइज आई थिंक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी फिर भी अगर आप लोग ओनर से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो में हम जो पांच डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं ये सभी अलग अलग ओनर्स के पास हैं। तो जब भी आप लोग कॉल करो तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि आप लोग कौन से डॉग ब्रीड के ओनर से कॉन्टेक्ट कर रहे हो। सो गाइज, इन पपीज की जो एज है वो 32 डेज ओल्ड है और इनकी जो लोकेशन है वो है पंचकुला, हरियाणा से। बट डिलीवरी आप लोगों को इन डॉग्स पे नहीं मिल पाएगी तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके ही इन पपीज को परचेज करना होगा। तो फ्रेंड्स, ओनर ने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 15,000 रुपीज 15,000 रुपए और फीमेल की है 12,000 रुपीज यानी 12,000 रुपए। और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है तो आप लोग नेगोशिएशन कर सकते हो। सो गाइज, ये तो बात हुई इन पिटबुल पपीज के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डॉग ब्रीड की तरफ जो है जर्मन शेफर्ड। सो फ्रेंड्स, ये जर्मन शेफर्ड एक एडल्ट मेल डॉग है और प्राइस भी काफी कम है तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से इसे परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ओनर ने मुझे बताया कि जर्मन शेफर्ड फैमिली के लिए काफी फ्रेंडली है और साथ में काफी अच्छा गार्ड डॉग भी। वैसे ओनर ने इस जर्मन शेफर्ड का प्राइस ऑलरेडी काफी कम रखा था बट अब ओनर ने इसका प्राइस और भी कम कर दिया है। तो आप में से जो भी एक एडल्ट जर्मन शेफर्ड को परचेज करना चाहता है तो आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, ये जर्मन शेफर्ड मीडियम कोट में है तो इसके कोट को भी मेंटेन रखना आप लोगों के लिए काफी आसान होगा। और ये डॉग्स काफी इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं और जर्मन शेफर्ड अपनी फैमिली और ओनर के बहुत ही ज्यादा लॉयल डॉग्स होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से जो भी इस जर्मन शेफर्ड को परचेज करता है तो उससे पहले आप लोग डॉग ओनर से इसके डाइट के बारे में जरूर पता कर लें ताकि फ्यूचर में चल के आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जीएसडी की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये 18 मंथ्स का हो चुका है और इसकी जो लोकेशन है वो है जींद, हरियाणा से। डिलीवरी आप लोगों को इस डॉग पे भी अवेलेबल नहीं मिल पाएगी तो अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है डायरेक्ट जाना तो काफी अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग डॉग ओनर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस, ओनर जो इसके पहले प्राइस की डिमांड की थी वो की थी 6,000 रुपीज यानी 6,000 रुपए। प्राइस ऑलरेडी काफी अफोर्डेबल था बट ओनर ने अब इसमें से भी 1,000 रुपए कम कर दिए हैं। ओनर ने जो अब इसके प्राइस की डिमांड की है वो की 5,000 रुपीज यानी 5,000 रुपए। तो दोस्तों, प्राइस काफी अच्छा है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि इसकी क्वालिटी और इसका प्राइस आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डॉग ब्रीड की तरफ जो है लेब्राडोर। सो फ्रेंड्स, ये जो लेब्राडोर है ये एक फीमेल है और क्वालिटी आप लोगों के सामने है। और दोस्तों, ये फीमेल एक बार अपनी फर्स्ट हीट पर बच्चे दे चुकी है, सेकंड हीट इसकी मिस हो गई थी तो अब ये जल्दी ही थर्ड हीट पर आने वाली है। और गाइस, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि लेब्राडोर काफी फ्रेंडली और लवेबल डॉग्स होते हैं तो आप लोग इन्हें किसी भी टाइप्स की फैमिली में इजिली रख सकते हो। लेब्राडोर को आप लोग छोटे बच्चे या दूसरे एनिमल्स के साथ भी आराम से रख सकते हो। लेब्राडोर एक परफेक्ट फैमिली डॉग ब्रीड है जो फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। इसीलिए लेब्राडोर इंडिया में काफी पॉपुलर है और मोस्टली लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लेब्राडोर आप लोगों को हर एक जगह पर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं और लेब्राडोर को फर्स्ट टाइम ओनर्स भी इजिली ट्रेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, लेब्राडोर का कोट बहुत ही शॉर्ट और शाइनी होता है जिसे आप लोग इजिली मेंटेन रख सकते हो। तो आप में से जिसको भी लेब्राडोर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसकी भी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इस फीमेल की एज 22 मंथ्स हो चुकी है और इसकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR। तो जो भी इस फीमेल को परचेज करना चाहता है तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी आप लोगों को इसके ऊपर भी अवेलेबल नहीं मिल पाएगी। तो अगर फाइनली इसके भी प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की 10,000 रुपीज यानी 10,000 रुपए। तो फीमेल काफी अच्छी है तो इसकी क्वालिटी को देखते हुए आप लोगों को इसका प्राइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये तो हुई लेब्राडोर के बारे में बात। अब बात करते हैं हमारी बहुत ही स्मॉल और क्यूट डॉग ब्रीड के बारे में जो है पग। सो फ्रेंड्स, पग एक बहुत ही प्यारी डॉग ब्रीड है जिसे बहुत से लोग काफी पसंद करते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी एक स्मॉल डॉग ब्रीड लवर है, पग उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों, पग अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग्स होते हैं और आप लोग इन्हें किसी भी टाइप्स के घर या फैमिली के साथ रख सकते हैं, चाहे आपका घर छोटा हो या फिर बड़ा। और गाइस, बच्चों के साथ भी ये डॉग्स काफी जेंटल और फ्रेंडली होते हैं और आपके बच्चों को भी ये काफी पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स, पपीज की क्वालिटी आप लोगों के सामने है और ये सिर्फ मेल ही अवेलेबल है, फीमेल ऑलरेडी सेल हो चुकी है। तो अगर आप लोग इन पपीज के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कभी भी पग को ओवर फीडिंग ना करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ओवरवेट हो जाते हैं। और अगर आप लोग अपने डॉग्स को हमेशा हेल्दी और एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग इन्हें सुबह शाम की वॉक पर जरूर लेके जाएं और साथ में फिजिकली एक्सरसाइज भी जरूर कराएं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो 52 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ, यूपी से। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को डिलीवरी इन पपीज के ऊपर भी नहीं मिल पाएगी, तो आप लोगों को डायरेक्टली जाकर इन्हें परचेज करना होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दोनों ही मेल डॉग हैं और ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 9,000 रुपीज, यानी 9,000 रुपये। तो इनकी क्वालिटी को देखकर आप लोग मुझे जरूर बताना कि इनका प्राइस कैसा लगा। तो ये तो इन पग पपीज के बारे में बात। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनली हमारी लास्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है फ्लैट कोटेड रिट्रीवर। सो फ्रेंड्स, ये है वो फीमेल और क्वालिटी काफी अच्छी है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओनर ने इसके पहले से 10,000 रुपये कम कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो डॉग्स होते हैं ये काफी फ्रेंडली और प्लेफुल होते हैं और ये किसी भी टाइप्स की फैमिली में कंफर्टेबली रह सकते हैं। और गाइज, अच्छी बात तो ये है कि ओनर ने इसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन करा रखी है, तो जब भी आप लोग इन्हें परचेज करने जाओ तो साथ में वैक्सीनेशन कार्ड लेना भी बिल्कुल ना भूले। और गाइज, ओनर ने इसकी फर्स्ट हीट मिस करा दी है, तो जल्दी ये सेकेंड हीट पे आने वाली है, तो उस टाइम आप लोग इसका लीटर साइज ले सकते हैं। और दोस्तों, इन डॉग्स को आप लोग ज्यादा अच्छे गार्ड डॉग्स तो नहीं कह सकते, पर ये परफेक्ट फैमिली डॉग ब्रीड जरूर है, क्योंकि ये सभी के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं और बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते। बाकी आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, फीमेल काफी हेल्दी और एक्टिव है। और गाइस, इन डॉग्स का बिहेवियर भी ऐसा है, अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई एनिमल है तो ये उनके साथ भी बहुत ही कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं इनकी भी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर इस फीमेल की एज के बारे में बात करें तो ये 10 मंथ्स की हो चुकी है और इसकी जो लोकेशन है वो है पलादपुर, दिल्ली से। बाकी डॉग ब्रीड्स की तरह इन पे भी आप लोगों को डिलीवरी अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, तो इसके लिए भी आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा इसे परचेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात आती है इसके भी प्राइस के बारे में, जो कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओनर ने इसके 10,000 रुपये कम कर दिए हैं। तो पहले जो इसके प्राइस की डिमांड की गई थी वो की थी 25,000 रुपीज़, यानी 25,000 रुपये। और ओनर ने जो अब इसके प्राइस की डिमांड की है वो की 15,000 रुपीज़, यानी 15,000 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, पहले कंपैरिजन में अब आप लोगों को इसका प्राइस कैसा लगा, अपने ओपिनियन एक बार मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इन पांचों डॉग ब्रीड्स के बारे में। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और साथ में मुझे ये भी बताना कि इनमें से कौन सी डॉग ब्रीड आप लोगों की फेवरेट है और कौन सी का प्राइस आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।